Hello everyone and welcome back in the sessions of the summaries. आज हम क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक के थर्ड चैप्टर की यानी कि डीप वाटर की समरी डिस्कस करेंगे. डीप वाटर इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विलियम डॉगलस. देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है. जब कोई इंडिविजुअल अपनी जीवन गाथा किसी किताब में दर्ज करता है, मतलब अपनी जीवन शैली लिखता है, तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है. तो यहाँ पर है कि विलियम डॉगलस, जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऑथर हैं, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी. उस ऑटोबायोग्राफी में से कुछ भाग लिया गया है जिसे डीप वाटर नाम का चैप्टर देकर आपकी इस बुक में दर्ज किया गया है. तो द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम्स इट विद स्ट्रांग विल पावर, करेज एंड फर्म डिटर्मिनेशन. तो देखिए, जो इस चैप्टर के ऑथर हैं, यानी कि जो विलियम डॉगलस हैं, वो आपको क्या बता रहे हैं, वो अपने डर के बारे में बता रहे हैं. जो पानी को लेकर उन्हें डर लगता था, वो उसका जिक्र इस चैप्टर में कर रहे हैं. एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम्स इट, ओवरकम का मतलब होता है काबू पा लेना एक तरीके से. तो किस तरीके से अंत में उन्होंने अपने इस डर पर काबू पा लिया, कैसे पाया, विद स्ट्रांग विल पार, विल पार का मतलब होता है मनोबल, करेज, करेज का मतलब होता है साहस, और फर्म डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय. मतलब किस तरीके से अपनी इन क्वालिटीज के मद्देनजर उन्होंने अपने इस फियर ऑफ वाटर पर काबू पा लिया. तो देखते हैं कि हमें क्या बता रखा है स्टोरी में. दी राइटर टेल्स अस दैट ही हैड अ डिजायर टू लर्न स्विमिंग सिंस चाइल्डहुड. चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, और स्विमिंग का मतलब तैराकी होता है, तैरना सीखना होता है, तैरना होता है. तो जो राइटर हैं वो हमें ये बताते हैं कि बचपन से ही उनकी इच्छा थी कि वो स्विमिंग करना सीखें, तैरना सीखें. एट द एज ऑफ 3 or 4, जब वह 3 या 4 वर्ष के ही थे, ही वॉज नॉक्ड डाउन. नॉक्ड डाउन कर देना मतलब एक तरीके से गिरा देना. तो ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ वेव ऑफ वॉटर, पानी की एक लहर ने उन्हें गिरा दिया था. और कहाँ थे वो उस वक्त, एट अ बीच, एक बीच के किनारे पर थे, मतलब एक नदी के, समुद्र के किनारे पर थे, बीच पर थे. कहाँ था वो बीच, वो कैलिफोर्निया नामक स्थान पर था. आफ्टर दैट, बाद में क्या हुआ, ही डिवेल्प्ड अ ग्रेट एवर्जन टू वॉटर, मतलब एक तरीके से उन्हें पानी से बहुत ही डर लगने लगा, वो पानी से दूर भागने लगे. एवर्जन मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे, पानी को देखकर उन्हें डर लगने लगता था. एट द एज ऑफ 10 or 11, जब वो 10 या 11 वर्ष के हुए, ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग विद वॉटर विंग्स. मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि पक्षियों को के उड़ने के लिए विंग्स लगे हुए होते हैं जो उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो यहां पर स्विमिंग सीखना चाहते थे डॉगलस, उन्होंने YMCA पूल, मतलब एक पूल था वहां पर, ये पूल का नाम आपको बता रखा है, वहां पर उन्होंने जो नकली वाटर विंग्स होते हैं, मतलब एक तरीके से वो सहायक विंग्स जो स्विमिंग करने में मदद करते हैं, डूबने नहीं देते हैं, उन विंग्स के सहारे उन्होंने लर्न करने की कोशिश की, मतलब सीखने की कोशिश की. क्या सीखने की कोशिश की, तैराकी. वन डे, एक दिन, डॉगलस वॉज थ्रोन इन दी पूल बाय अ बिग बॉय. एक दिन डॉगलस को एक बड़े लड़के ने पूल के बीच में, मतलब जो स्विमिंग पूल बना हुआ था उसके बीच में धक्का दे दिया, उसके अंदर धक्का दे दिया. डॉगलस वेंट डाउन टू दी बॉटम ऑफ दी वॉटर, और एकदम से धक्का लगने की वजह से जो डॉगलस थे वो बिल्कुल बॉटम, मतलब बिल्कुल ही नीचे स्विमिंग पूल की सतह तक पहुंच गए. ही ट्राइड टू जम्प एंड कम आउट ऑफ दी वॉटर बट ही कुड नॉट. उन्होंने कोशिश की कि वो किसी तरीके से उछलें, कूदें और बाहर आने की कोशिश की पानी से, लेकिन वो बाहर ना आ पाए. The terror held him deeper and deeper. जो वो डर था पानी का, वो डर
उन्हें अंदर ही अंदर और ज्यादा दबाता चला गया, मतलब वो और ज्यादा घबराते चले गए। एट लास्ट ही बिकेम अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब होता है फेंट हो जाना, मतलब बेहोश हो जाना। वो एट लास्ट अंत में बेहोश हो गए। ही वॉज सेव्ड बाई दी पूल अथॉरिटीज। जो वहां के कर्मचारी थे, जो वहां की अथॉरिटीज थे, उन्होंने मतलब जो वहां पर कर्मचारी थे, मैनेजमेंट स्टाफ था, उन्होंने डॉगलस की जान बचाई। आफ्टर दैट इंसिडेंट, अब इंसिडेंट मतलब जो ये घटना उनके साथ घटित हुई थी, इस घटना के बाद ही अवॉइडेड वॉटर स्पोर्ट्स, उन्होंने पानी से रिलेटेड जितने भी खेल होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उन्हें भी अवॉइड करना, मतलब उन्हें भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, जैसे कि बोटिंग, जैसे स्विमिंग, जैसे फिशिंग। इन दी एंड, अंत में ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर, अपने लिए एक ट्रेनर, यूं कहेंगे ट्रेनर की मदद लेने की बारे में सोचा। एंड लर्न स्विमिंग, और उन्होंने सोचा कि वो जो इंस्ट्रक्टर हैं, वो जो ट्रेनर हैं, वो उन्हें स्विमिंग सिखाएंगे। ही प्रैक्टिस्ड ए लॉट, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत प्रैक्टिस की। बिट बाय बिट मतलब धीरे धीरे कर स्लोली एंड ग्रेजुअली ही शेड हिज फियर ऑफ वाटर। शेड का मतलब होते एक तरीके से यहां पर कि दूर होता चला गया, उनका जो पानी का डर था वो धीरे 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 कम होता चला गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या बता रखा है इस पर्टिकुलर स्टोरी में। आफ्टर दैट, बाद में ही वेंट टू डिफरेंट लेक्स टू स्विम एंड मेड हिमसेल्फ परफेक्ट इन दी आर्ट ऑफ स्विमिंग। देखो जैसे मैथ्स के क्वेश्चन आपको कहा जाता होता था ना कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आप और ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे, तो बिल्कुल इसी तरीके से जब डॉगलस ने एक बार स्विमिंग सीख ली तो उन्होंने भी प्रैक्टिस करने के लिए, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए अलग अलग झीलों में या अलग अलग वॉटर बॉडीज में वो गए और वहां पर उन्होंने स्विमिंग की। इन दिस वे, इस तरीके से ही प्रूव्ड, उन्होंने प्रूव कर दिया, साबित कर दिया, दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये कहावत है ना, क्या है ये कहावत, कि जहां चाह वहां राह। तो उन्होंने प्रूव कर दिया, बिकॉज वो स्विमिंग सीखना चाहते थे तो उनकी चाहत थी, तो राह भी उन्होंने खुद ही बना ली। ही मेड हिज वे, उन्होंने अपना रास्ता बनाया। Overcame his fear of water, अपने पानी के डर पर काबू पाया। कैसे पाया? With the help of his trainer, अपने instructor की मदद से। And strong willpower, और अपने कड़े मनोबल के तहत उन्होंने अपने इस डर पर काबू पाया और अंत में जीत उनकी हुई। तो मुझे उम्मीद है कि जो समरी मैंने आपको ये आज बताई है वो आपको पसंद आई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।